प्लेइंग 11 की शुरुआत करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स इस मुकाबले के लिए विजिटिंग टीम है और इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की संभावित प्लेइंग 11 किस प्रकार होगी उस पर नजर डाल लेते हैं। ये कुछ नाम है, ये 11 नाम है, ये आपको खेलते हुए नजर आएंगे। चर्चा करते हैं कि क्या इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पिछले कुछ सीजन से जो गलती करते आ रही थी, या आप कहें कि गलती ना सही, जो चीज सटीक नहीं बैठ रहा था केकेआर के लिए, वो भी इस सीजन बहुत ज्यादा सटीक बैठ रहा है। जैसे सुनील नारायण पिछले कई सीजन से अच्छे से बल्ले से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस सीजन एक बार फिर से वो बल्ले से बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने देखा पिछले मुकाबले में तो शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, मतलब धागा खोल दिया गेंदबाजों का, खुद गेंदबाज है और गेंदबाजों की उन्होंने रेल लगा दी। सुनील नारायण पिछले कई सीजन से बल्ले से फ्लॉप साबित हो रहे थे, उस कदर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। और एक आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हो कि गौतम गंभीर के टीम में आने के बाद सुनील नारायण को एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिल चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं सुनील नारायण को ओपनिंग में गौतम गंभीर ने अपनी कप्तानी में ही प्रमोट किया था। गौतम गंभीर कुछ सीजन टीम के साथ नहीं थे, सुनील नारायण भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, ऐसा आप कह सकते हो। और इस सीजन केकेआर में गौतम गंभीर की वापसी हो गई है, तो सुनील नारायण ने कहा कि भाई अब मुझे मोटिवेशन मिल गया है, तो बल्ले से वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी जो है वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। इस ओपनिंग जोड़ी की खास बात यह है कि दोनों ही डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हैं, और एक और खास बात यह है कि दोनों ने ही जो अब तक दो मुकाबले केकेआर ने खेले, उसमें एक मुकाबले में फिलिप सॉल्ट के बल्ले से हमें बड़ी पारी देखने को मिली थी, तो वहीं दूसरे मैच में हमें सुनील नारायण के बल्ले से शानदार पारी देखने को मिली थी। वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, ये तीन आपको नाम दिखेंगे मिडल ऑर्डर में। मिडल ऑर्डर में केकेआर को मजबूती देने का काम ये तीन बल्लेबाज करेंगे। वेंकटेश अय्यर जो है हम सबको जानता है, एक ओपनिंग शानदार बल्लेबाज है, डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज के तौर पर आप इन्हें कह सकते हो। लेकिन वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण जब से प्रमोट हुए हैं उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो डिमोट हो गया है। इसे डिमोट कहे या चाहे जो आप नाम देना चाहे, लेकिन नंबर तीन पर वेंकटेश अय्यर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर अच्छी लय में है, आप कह सकते हो कि बड़ी पारी उन्होंने जरूर नहीं खेली है, लेकिन जो भी वो पारी अब तक वो दो मुकाबलों में खेले हैं उसमें ऐसा लगा है कि श्रेयस अय्यर से आप बड़ी पारी की उम्मीद इस सीजन कर सकते हो। और श्रेयस अय्यर अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी खेल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2024 से पहले श्रेयस अय्यर को लेकर तरह तरह की बातें हुई है। श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से ड्रॉप करने को लेकर सोशल मीडिया पर आप कह सकते हो कि एक मुहिम भी चलाई गई कि श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे, रणजी मुकाबले नहीं खेल रहे, उन्हें टीम इंडिया में नहीं खेलना चाहिए, कुछ बयानबाजियां भी हुई है, तो वो अपने आप को प्रूफ करने के लिए खेल रहे हैं। और आईपीएल 2024 में अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, अच्छे रन बनाएंगे और अगर टीम अपनी टीम को जिताएंगे, खिताब जिताएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको लेकर जो भी बातें पास्ट में हुई है आईपीएल से पहले, वो सारी बातें जो हैं वो भुला दी जाएगी। रमनदीप सिंह ने एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं थी, इनसे आप उम्मीद लगा सकते हो अगर आप केकेआर के फैन हो। उसके बाद दो टीम के पास है फिनिशर। अब आप तय करिए अगर आपके हाथ में हो तो आप किसे फिनिशर का जो रोल है वो देना चाहेंगे, रिंकू सिंह को देना चाहेंगे या फिर देना चाहेंगे आंद्रे रसल को। और हम दोनों नामों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों ही नाम क्या कर सकते हैं। रिंकू सिंह का वो मैच याद करिएगा जिसमें इन्होंने आखिरी ओवर में 5 लगातार छक्के लगाकर मैच को पलट कर रख दिया था। वहीं आंद्रे रसल, उम्र ज़्यादा ज़रूर हो गई हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इनकी उम्र हो गई है, अब शायद एक आध सीज़न में ये रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन जो पहला मुकाबला आईपीएल 2024 में खेला गया था 62 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, तो भाई आप इन्हें डिनाई नहीं कर सकते हो। तो दो फिनिशर हैं केकेआर के पास। उसके बाद है भाई लगभग 25 करोड़ी गेंदबाज मिचेल स्टार्क, और ये इनका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अभी तक बिलो दी एवरेज आप कह सकते हो रहा है। अनुकूल रॉय है, हर्षित राणा है और वरुण चक्रवर्ती है। मिस्ट्री स्पिनर है केकेआर के पास वरुण चक्रवर्ती के रूप में, वहीं हर्षित राणा जो कि पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी इन्होंने करी है, टोटल 5 विकेट इन्होंने अब तक इस सीजन लिया है। तो केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 में आपको दिखेंगे फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, मिचेल स्टार्क, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 की। दिल्ली कैपिटल्स चूंकि अपने सेकेंड होम ग्राउंड में खेल रही है,
और पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने जो इस मुकाबले इस ग्राउंड पर खेला था वो बेहद शानदार रहा था। ऋषभ पंत ने अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी की टीम को एक अच्छे मार्जिन से हरा दिया था। हालांकि उस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने उस मुकाबले में जीत दर्ज करके, और अभी हाल ही में ज़्यादा दिन नहीं हुए उस मुकाबले को, तो एक मोमेंटम के साथ अपने सेकेंड होम ग्राउंड पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरेगी। और जो पिछले मुकाबले में प्लेइंग 11 आपको दिखी थी, लगभग वही नाम आपको दिखेंगे संभावित प्लेइंग 11 में, यानी जो प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में उतारेगी उसमें आपको जो पिछला मुकाबला सीएसके के साथ रहा था लगभग वही नाम दिखेंगे। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी आपको इस मुकाबले में ओपनिंग करते हुए नजर आएगी। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी बहुत शानदार है, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो वन ऑफ माय फेवरेट ओपनिंग पेयर्स इन आईपीएल 2024। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक जरूर वो चूक गए थे, लेकिन डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा किया था। और जो दिल्ली कैपिटल्स ने दूसरा मुकाबला खेला था उस मुकाबले में एक रन से डेविड वार्नर चूक गए थे, 49 रन उन्होंने बनाए थे, यानी बैक टू बैक लगभग 50 रनों की पारी खेलकर डेविड वार्नर इस मुकाबले में इस मैदान पर उतर रहे हैं। और ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड डेविड वार्नर के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस ग्राउंड पर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का जो रिकॉर्ड है 91 रनों का वो डेविड वार्नर के ही नाम है। तो डेविड वार्नर चाहेंगे कि भाई 91 में और 9 रन जोड़कर वो सैकड़ा पूरा करे, शतक पूरा करे। पृथ्वी शॉ भी चाहेंगे कि डेविड वार्नर का साथ दे और दिल्ली कैपिटल्स को लगातार जो जीत के रथ पर अब सवार हुई है उसे उस रथ पर ही बरकरार रखे। फिर कप्तान ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ये दो नाम आपको दिखेंगे और ट्रिस्टन स्टब्स दिखेंगे आपको मिडिल ऑर्डर में। ऋषभ पंत ने पिछले मुकाबले में अर्धशतक लगाया था, उसी मोमेंटम को वो बरकरार रखना चाहेंगे, अपने सेकेंड होम ग्राउंड में फिर एक पारी खेलना चाहेंगे, फिर एक अच्छी पारी खेलना चाहेंगे, क्योंकि ऋषभ पंत चाहेंगे कि आईपीएल 2024 में इस कदर वो प्रदर्शन करे कि वो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा हो, क्योंकि अप्रैल के अंतिम हफ्ते में ही T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय स्क्वाड का चयन किया जाना है। मिचेल मार्श और ट्रिस्टन स्टब्स से टीम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, और इन दोनों ने अब तक ऐसा कोई प्रदर्शन अब तक नहीं किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मिचेल मार्श क्या कर सकते हैं, क्या विस्फोट पैदा कर सकते हैं मैदान पर, और वही ट्रिस्टन स्टब युवा बल्लेबाज, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज, क्या कर सकते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन इस सीजन अभी तक वैसा प्रदर्शन, वैसा धमाका हमने देखा नहीं है। अक्षर पटेल और अभिषेक पोरल उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आएंगे। अक्षर पटेल से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो पारी को फिनिश करने के लिए आएंगे, पारी फिनिशर की भूमिका में वो हमें दिख सकते हैं। उससे पहले अभिषेक पोरल बल्लेबाजी के लिए आते हुए हमें नजर आने वाले हैं। अक्षर पटेल जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव के साथ एक अहम भूमिका भी निभाएंगे। दोनों ही जो गेंदबाजी की जो भूमिका होगी स्पिन डिपार्टमेंट संभालने की वो इन्हीं दोनों के कंधों पर होगी। कुलदीप यादव पिछला मुकाबला उन्होंने नहीं खेला था, इस मुकाबले में वो हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। कुलदीप यादव कंसिस्टेंट आप इन्हें कह सकते हो, जो पिछले दो मुकाबले इन्होंने खेले हैं आईपीएल 2024 में, दोनों ही मुकाबलों में विकेट का कॉलम जो है इनका वो खाली नहीं गया था। एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार, ये तीन स्पीडस्टर्स दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में हैं जो प्लेइंग 11 में भी शामिल होंगे। मुकेश कुमार मोमेंटम के साथ आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में सीएसके के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह इन्होंने दिखाई थी। एनरिक नोकिया को हम सब जानते हैं कि तेज गेंदबाज हैं, बहुत तेज गति से गेंदबाजी करते हैं और अपनी तेज गति से डराने के लिए भी जाने जाते हैं। और खलील अहमद ने भी पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी थी, और खलील अहमद इस वक्त उतने ज्यादा आप कह सकते हो कि खराब फॉर्म से नहीं गुजर रहे, ठीक ठाक इनका फॉर्म चल रहा है। तो दिल्ली कैपिटल्स की जो संभावित प्लेइंग 11 है उसमें आपको दिखेंगे डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। प्लेइंग 11 पर चर्चा हो गई, अब देखते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। जब जब दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर की टीम आमने सामने आई है, जब जब ये दोनों ही टीमें मैदान पर दो दो हाथ करने के लिए उतरी है, तब किसका पलड़ा भारी रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर के बीच में अब तक कुल 32 मुकाबले खेले जा चुके हैं, और इन 32 मुकाबलों के बाद केकेआर का पलड़ा सिर्फ थोड़ा सा भारी रहा है, यानी सिर्फ एक मुकाबला एक्स्ट्रा केकेआर ने जीत हासिल की है। दिल्ली कैपिटल्स ने इन 32 मुकाबलों में 15 जीत हासिल की है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 मुकाबलों में जीत हासिल की है। 15 + 16 यानी 31 मुकाबले, और जो एक मुकाबला रह गया वो मुकाबला बेनतीजा रहा, यानी टाई रहा था। यानी हेड टू हेड आंकड़ों में केकेआर का पलड़ा भारी है,
और जो अभी इस वक्त आईपीएल 2024 में प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का, उसमें केकेआर का पलड़ा भारी है। पॉइंट टेबल पर केकेआर की टीम ऊपर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का ये सेकेंड होम ग्राउंड है। पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सीएसके जैसी टीम को हराया था। महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद होने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने उन्हें रोक दिया था और वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहा था। आप कमेंट करके बताइएगा, सभी आंकड़े जानने के बाद, पिच रिपोर्ट जानने के बाद, मौसम की जो जानकारी आपको प्राप्त हुई है इस वीडियो से उसे जानने के बाद, दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 देखने के बाद, हेड टू हेड आंकड़ों को जानने के बाद, आपको क्या लगता है कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत हासिल करेगी, क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली केकेआर इस मुकाबले को जीतकर लगातार 3 मुकाबले जीतने में कामयाब होगी, या फिर दिल्ली कैपिटल्स जीत हासिल करेगी अपना दूसरा आईपीएल 2024 का गेम। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।